नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी जुडिशियल, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है जो भी स्टूडेंट यूपीएससी जुडिशियल सर्विसेज एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस में कैसे बेहतर से बेहतर आंसर लिख सकें, कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, इन तमाम मुद्दों पर इस चैनल के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं। और इस मिशन को और सक्सेसफुल और कामयाब बनाने के लिए हम लोग अपने ग्रुप में हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू के पर्पस से पूछते हैं और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। उस क्वेश्चन का मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप सीएलसी की इस फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख कर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर दीजिए। सीएलसी इसके अलावा बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी कोचिंग भी प्रोवाइड कराता है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन नंबर 194 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट एंड रॉन्ग टेस्ट रिलेट्स टू। तो इसका आंसर है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से ये रिलेटेड है, मैकनॉटन केस आप लोगों को याद ही होगा। तो अब देखिए, कभी कभी जब कभी आप कंफ्यूज कर जाएं या याद ना आए इन केस एग्ज़ाम में, मैं भी जब स्टूडेंट था तो एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद तो सारी चीज़ें याद रहती थी, लेकिन एग्ज़ाम में ये भूलने की एक बीमारी होती थी। तो अब जैसे राइट एंड रॉन्ग टेस्ट, तो इस टेस्ट का नाम ही इसलिए पड़ा कि उसकी मेंटल फैकल्टी एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज राइटली वर्किंग और नॉट, और रॉन्गली वर्किंग। तो इसलिए आगे हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे मैकनॉटन टेस्ट की, और उसमें राइट एंड रॉन्ग टेस्ट रिलेटेड टू इट वाज प्रोपाउंडेड। और तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी। मेंस का क्वेश्चन है, वन हु इज इनसेन हैज नो माइंड। तो अनसाउंड पर्सन जो इनसेन है उसे कोई माइंड नहीं होता। नो माइंड मीन्स सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग। ये फर्स्ट पार्ट, डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग, ये पहला पार्ट जब भी आप एग्ज़ाम में लिखें तो ये दोनों पार्ट को ज़रूर मेंशन करें। एंड डैट व्हाट ही इज डूइंग इज कंट्ररी टू लॉ एंड पनिशेबल। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। तो इनसेन पर्सन को माइंड ही नहीं होता कि ये दो चीज़ें समझ सके, और चूंकि ये दो चीज़ें नहीं है तो आप खुद सोचिए, मेंस दिया नहीं होगा, गिल्टी माइंड नहीं होगा, कल्पेबिलिटी नहीं होगी, क्रिमिनलिटी नहीं होगी। तो उसी चीज़ को कहा गया, देयर कुड बी नो कल्पेबिलिटी ऑफ कमिटिंग क्राइम। स्वाभाविक है कि इनसेन पर्सन डज नॉट हैव माइंड टू कमिट क्राइम, क्राइम इज ऑलवेज कमिटेड विथ गिल्टी माइंड, एंड इनसेन पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इन फैक्ट ही इज डूइंग, एंड सेकेंडली व्हाट ही इज डूइंग दैट इज कंट्ररी टू द लॉ। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, मेंस के क्वेश्चन का। और सेकेंड पार्ट है कि मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी के बीच डिफरेंस क्या, 10+5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इंटरव्यू के क्वेश्चन में मैकनॉटन टेस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इनसैनिटी से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन इज दिस कि हाउ टू बिगिन विथ, आपका इंट्रो क्या होना चाहिए। तो इंट्रो आप कई तरीके से लिख सकते हैं कि द प्रोविजन रिगार्डिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 84, या कुछ जूरिस्ट के कथन से भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें। दैट इज इंट्रो आपका वेल बिगन होना चाहिए। मैं आप सबों से अपील करूंगा कि मैं जो इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं, इसे आप पत्थर की लकीर मत मानिए। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। देर इज़ नो लिमिट, आप इसे भी बेहतरीन लिख सकते हैं।
और मेरा काम केवल सजेस्टिव है, आपको कुछ एग्जाम्पल देते हुए, आपकी जो खुद की स्किल है, आपका जो खुद का टेम्परामेंट है, उसको डेवलप करना, उसको कल्टीवेट करना। मैं यहाँ पे मुहर लगा के नहीं बैठा हूँ कि मैंने जो बताया डेट इज ओनली परफेक्ट। आप इसे भी तो ये जस्ट इनको लिख, अब जैसे एक है कि आप स्टैट्यूटरी प्रोविजन से शुरू हो गए, दूसरा जो इंट्रो है ये तीन लीगल मैक्सिम इनसैनिटी से रिलेटेड है, तीनों लिखा हुआ है यहाँ पे। आप इन तीनों लीगल मैक्सिम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेक्शन 84 लिखते हुए भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक लीगल मैक्सिम है फ्यूरियोसिस फ्यूरर सू पुनियर, तो ए मैड मैन इज बेस्ट पनिश बाय हिज ऑन मैडनेस। चूंकि मैड होना, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज ऑन एक्ट, तो ये अपने आप में एक पनिशमेंट है और उसी को ये यहाँ बताया गया। सेकेंड फ्यूरियोसिस नल्ला वोलंटास एस्ट, मैड मैन हैज नो विल चूंकि डज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड नेचर एंड कंसिक्वेंसेज अफेक्ट। और तीसरा मैक्सिम है फ्यूरियोसिस एबसेंटिस लोको एस्ट, ए मैड मैन इज लाइक वन हु इज एबसेंट। तो ये तीनों मैक्सिम को अपने आंसर में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जगह दे सकते हैं, और इन तीनों इस तरीके से आप इंट्रो पार्ट में भी या बीच में भी जहाँ भी आपकी इच्छा हो मेंशन कर सकते हैं, तो इससे आपका थोड़ा कंटेंट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। मैकनॉटन टेस्ट की बात करते हैं, राइट एंड रॉन्ग टेस्ट। इसमें डैनियल मैकनॉटन था, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम परसिक्यूशन मैनिया, और उसे लगा कि एक गैंग ऑफ पर्सन ऑलवेज फॉलोज हिम, और वो गैंग ऑफ पर्सन उसे उसका मर्डर कर देगा, और प्रिवेंटेड और उस गैंग ऑफ पर्सन्स के कारण उसे कोई जॉब नहीं मिल रही है। एक दिन रेलवे स्टेशन पे उसने मिस्टर डी को गोली मार दिया, थिंकिंग डैट ही इज सर रॉबर्ट पिल, वो इंग्लैंड का उस समय का प्राइम मिनिस्टर, उसे समझ के किसी और को गोली मार दी, और ये सोचते हुए कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज मिसफॉर्चून। जब उसने गोली चलाई तो जो लोग वहाँ मौके पे मौजूद थे उनमें से कुछ विटनेसेस ने कहा कि जब गोली चली तो ही वॉज इम्पेल्ड बाई अनकंट्रोलेबल इम्पल्स, मतलब उसका जो इम्पल्सेस थे अनकंट्रोलेबल थे और उसके कारण चलाई। और बाकी दूसरे विटनेसेस ने कहा कि ही वॉज टोटली इंसेन। तो जो स्पॉट पे जो एविडेंस मिला जब घटना हुई, तो ईच एंड एवरीबॉडी सब ने कहा कि इंसेन है, टोटली गाइडेड बाय अनकंट्रोलेबल इम्पल्स, और जूरी ने उसे एक्विट किया ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी। और इस जजमेंट के कारण इंग्लैंड में काफ़ी हंगामा मचा, और ये और इस केस से ही लॉ ऑफ इंसैनिटी डेवलप हुआ। और उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस पे विचार किया, चार प्रोपोजिशंस लेट डाउन किया। पहला कि एक्यूज एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट वॉज लेबरिंग अंडर सच ए डिफेक्ट ऑफ रीजन और फ्रॉम ए डिजीज ऑफ माइंड सो एज नॉट टू नो द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द एक्ट ही वॉज डूइंग, और इफ ही डिड नो दिस नॉट टू नो वट ही वॉज डूइंग वॉज रॉन्ग। तो पहला आपका इनसैनिटी में ये जो दो चीज़ें जो हमने यहाँ ऊपर में लिखा है अभी थोड़ी देर पहले एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस वीडियो, तो नॉट अंडरस्टैंडिंग वट ही हैज़ बीन डूइंग, एक्यूज क्या कर रहा, एंड डेट अगर सेकेंड पार्ट कि वट एवर ही हैज़ बीन डूइंग इट्स कंट्ररी टू लॉ, द एक्यूज इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो उसे जब पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, और जो कर रहा है वो कानून के खिलाफ है और पनिशेबल है, तो देयरफॉर नो मेंस रिया। तो उसी बात को इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा। दूसरा कि इफ़ एक्यूज वॉज कंसस एंड अवेयर अबाउट द एक्ट विच ही ऑट नॉट टू डू, लेकिन एक्यूज को एहसास होता है कि उसे जो काम वो कर रहा है वो उसे नहीं करना चाहिए, तो उसमें फिर इनसैनिटी का लाभ नहीं मिलेगा एंड ही इज पनिशेबल। दस द टेस्ट इज इन द पावर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग नॉट इन द एब्स्ट्रैक्ट बट इन रिगार्ड टू पर्टिकुलर एक्ट कमिटेड। तो इसी के कारण राइट एंड रॉन्ग के कारण इस टेस्ट का नाम पड़ा
राइट एंड रॉन्ग टेस्ट, और जो आज के क्वेश्चन में पूछा गया है। तीसरा, वेयर ए क्रिमिनल एक्ट इज कमिटेड बाई एक्यूज अंडर सम इनसेन डिल्यूजन विच कंसील्स फ्रॉम हिम द ट्रू नेचर ऑफ द एक्ट वट ही वॉज डूइंग, ही विल बी अंडर द सेम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ द फैक्ट हैड बीन एज ही इमेजिन इट वॉज सो टू बी। और चौथा कहा कि एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू बी सेन अनलेस कंट्ररी इज प्रूव्ड। तो ये चार चीज़ें कही गई, और कुछ बीमारियां हैं, अब हम लोग MBBS का पेपर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कुछ बीमारियों का नाम जानना है, उन नामों को अपने आंसर में फिगर आउट कर देना। वी आर नॉट ए मेडिकल एक्सपर्ट, लेकिन ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें मेडिकल बोर्ड बैठती है और डॉक्टर ओपिनियन वगैरह और ये सारे, तो इनसैनिटी का लाभ मिलता है। जैसे आपका इनसेन डिल्यूजन्स, फैंसी डिल्यूजन्स, डिल्यूजन्स मतलब भ्रम का होना, एक्यूज को लगेगा कुछ, वो करेगा कुछ, उसका कोई इरादा नहीं होता, ही इज इम्पेल्ड बाई अनकंट्रोलेबल इम्पल्सेज। तो इनसेन डिल्यूजन और फैंसी डिल्यूजन, डेलीरियम ट्रेमेंस भी, अगर लीकर वगैरह अचानक से छोड़ दे तो इम्पेलेबल अनकंट्रोलेबल इम्पल्सेज जनरेट होते। और बीमारियों के नाम है सीजोफ्रेनिया, मैनिया, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशंस, हाइपोकॉन्ड्रिया, सोमनाबुलेटिज्म। एक फिल्म बहुत पहले, नील कमल, नींद में चलने की बीमारी। तो देखिए, कोई भी बीमारी हो, एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड, एक लाइन को अगर, एक लाइन में अगर सेक्शन 84 समझना है तो सेक्शन 84 को एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट किया है, पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। इसको मैं किसी दूसरे इंक से अंडरलाइन करना चाहूँगा, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। तो इनसैनिटी जब ऑफेंस हुआ एट दैट पर्टिकुलर टाइम, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ मेंटल अफेयर्स ऑफ द एक्यूज, दैट इज टू बी कंसीडर्ड। और अगर एक्यूज एट द टाइम ऑफ डूइंग द ऑफेंस वाज इनकैपेबल टू नो नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, ही वाज फर्दर इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज बीन डूइंग इज टोटली कंट्ररी टू लॉ। तो इनसैनिटी का लाभ मिल सकता है। बट इफ़, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक्यूज ने इनसैनिटी के अंडर किसी का मर्डर कर दिया और डेड बॉडी को छुपा दिया, तो जैसे ही उसने डेड बॉडी छुपाया तो ही नोज डैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, और अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने डेड बॉडी को कंसील कर दिया। एक्यूज ने मर्डर किया उसके बाद भाग गया पकड़े जाने, तो डैट मीन्स हिज कॉग्निटिव फैकल्टीज आर वर्किंग। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेडिकल इंसैनिटी एंड लीगल इंसैनिटी? मेडिकल इंसैनिटी, आपको नींद नहीं आती, आप तनावग्रस्त होते, आप चिड़चिड़े रहते, आप ज़्यादा बोलते, आप कम बोलते, आप बेवजह हंसते, आप बेवजह रोते, तो डिप्रेशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, ये दो ऐसी बीमारियां हैं कि शायद ही कोई इंसान अछूता हो इससे। स्लाइट डिग्री ऑफ डिप्रेशन, आप कोई काम कर रहे हैं और आपके आशा अनुरूप अगर उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो एज ए ह्यूमन बीइंग यू शैल बी डिप्रेस्ड। लेकिन ये जो एक लिमिट्स को ज़्यादा क्रॉस कर जाए तो ये फिर बीमारी की शक्ल ले लेता है। तो आप देखिए, सो फार एज, अब एक्यूज का क्राइम करते वक्त मेंटल स्टेट क्या था, अब मेडिकल साइंस, एक्यूज ने 2 साल पहले क्राइम किया, 2 साल पहले उसका क्या, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस क्या उसका मेडिकल स्टेटस था, ये फाइंड आउट करना अभी का तो पता लग जाएगा, लेकिन 2 साल पहले एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ
द क्राइम, व्हाट वाज द मेंटल स्टेट ऑफ द एक्यूज, ये फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता। तो अगर कानून के लिए ये डिफिकल्ट है तो भाई हम समझेंगे कैसे कि वेदर एक्यूज इज टू बी गिवन बेनिफिट ऑफ इंसैनिटी और नॉट। तो उसके लिए सराउंडिंग फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेस कि एक्यूज ने क्राइम से पहले क्या किया, तब एक्यूज मर्डर करने आया, तैयारी के साथ आया, चाकू था, चाकू छुपा के आया। तो अब चाकू छुपा के आता है तो उसे पता है कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज कंट्ररी टू लॉ, इसलिए छुपा रखा। मर्डर करके भाग गया तो उसका क्या कंडक्ट। तो ये सारे हम लोग आगे के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया है। और आप खुद सोचिए कि जो एक्यूज का कंडक्ट बिफोर कमीशन ऑफ द क्राइम, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम एंड आफ्टर कमीशन ऑफ द क्राइम, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो सो फार एज मेडिकल इंसैनिटी एंड लीगल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी इज समथिंग डिफरेंट। आप हो सकता है कि आप मेडिकली इंसेन हो, तनावग्रस्त हो, लेकिन आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, आप अपने नेचर ऑफ एक्ट को समझ रहे हैं, आप उसके कंसिक्वेंसेज को समझ रहे हैं, बट स्टिल यू आर मेडिकली इंसेन। लेकिन लीगल इंसैनिटी में यू मस्ट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ योर एक्ट। तो मैं इसको लिख देता हूँ इस एक लाइन की वर्ड से, नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्ट। तो अगर एक्यूज इसको समझ रहा है तो बेशक को मेडिकली इंसेन क्यों ना हो, उसे सेक्शन 84 का लाभ नहीं मिलेगा। आप सेक्शन 84 को समझने के लिए, इट्स नॉट दैट एवरी मेंटल इलनेस फॉल अंडर लीगल इंसैनिटी, ये नहीं है कि इट्स नॉट। इसको भी वीडियो को सुन लीजिए जो है, इट इज नॉट दैट एवरी मेडिकल इंसैनिटी fall under legal insanity, only those of medical insanity in which accused is totally unable to understand nature and consequences of his act। चूंकि अगर मेंस रिया नहीं है तो नो क्राइम। तो चूंकि accused इज not able to understand nature and consequences of his act, therefore at that time there is no mens rea, तो therefore this falls under general exceptions, no crime is committed because of negation of the mens rea। अब medical insanity में difference पूछा गया, medical insanity, legal insanity। medical insanity में accused may be able to understand nature and consequences of his act, लेकिन legal insanity में he is not able to understand nature and consequences of his act। कुछ केसेज हम लोग करेंगे, श्रीकांत आनंद भोसले वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे ओ छूट गया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें अपीलेंट कोई पुलिस कांस्टेबल था, वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, उसे पत्थर मार दिया उसके सर पे जब वो कपड़े साफ कर रही थी, और उसके बाद उस सिपाही को ले जाया गया क्वार्टर गार्ड में, उसकी वाइफ की डेथ हो गई और वो सिपाही ने इनसैनिटी का प्ली रेज किया। और अपीलेंट बाय नेचर बहुत ही एंग्री पर्सन था और फिट ऑफ एक्सट्रीम एंगर, उसने मर्डर कर दिया। और देयर वाज ए फाइट बिटवीन, मॉर्निंग में उन लोगों का फाइट हुआ था और रिकॉर्ड पे कुछ नहीं था कि वाज अंडर अटैक ऑफ पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। तो अगर मान लीजिए आप गुस्से में कोई मर्डर कर दें तो आपको इनसैनिटी का लाभ नहीं मिलेगा। इट्स नॉट डेट एवरी इलनेस इज लीगल इंसैनिटी, तो उसको लाभ नहीं मिला इस केस में। टी एन लक्ष्मैया वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें जो डिफेंस इंसैनिटी कोर्ट को एग्जामिन करना है, एक्यूज क्लेम हैविंग रिगार्ड टू इंटायर कंडक्ट अप टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट। तो एक्यूज ने इसमें अपने वाइफ और सन का मर्डर कर दिया और वो उसके बाद उसने कोई एविडेंस भी नहीं दिया, उसका जो कंडक्ट था फुल्ली कंसस माइंड का था, मतलब ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। वो बहाने बना के अपने वाइफ और सन को
किसी सुनसान जगह पे ले गया, वाटरफॉल पे, वहाँ मर्डर कर दिया। और उसने उनको बहाने ये बनाया कि ब्यूटी ऑफ फॉल्स को दिखाएंगे। उसके बाद उसने पहले अपने शन को पूछ किया, उसके बाद वाइफ को साड़ी से और ड्रैग करके पहाड़ से फेंक दिया। और उसके बाद वो घर आया, सो जाता है आराम से, तो वो बिल्कुल नॉर्मल ऐसा बिहेव करता था, तो इसलिए इसे भी लाभ नहीं मिला। दहिया भाई छगन भाई ठक्कर के केस में अपीलेंट ने अपने वाइफ, जब वो साथ में सो रही थी, तो उसका मर्डर कर दिया। अड़ोसी पड़ोसी आया, खून वगैरह। उसने अपने फादर इन लॉ को भी लेटर लिखा था 20 डेज बिफोर कि उसे ले जाएं। और इस केस में भी पाया गया कि एक्यूज वाज बिहेविंग नॉर्मली एंड ही वाज नॉट इंटाइटल्ड टू बी गिवन बेनिफिट ऑफ सेक्शन 84। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर भी हमने तीन तीन केस लॉ, चार केस लॉ, मैकनॉटन और ये सारी चीज़ें। पॉइंट इज दिस कि देखिए, कंटेंट आपका रिच होना चाहिए। सीएलसी का एक प्रयास है कि सीएलसी के व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कभी उनको इस बात का एहसास ना हो कि उनके पास मटेरियल कम है। हम लोगों का टाइम ज़्यादा जाता है मटेरियल को शॉर्ट करने में। तो चलिए, एनीवे, आज का शॉर्ट क्वेश्चन था। हम लोग कल किसी और टॉपिक पे देखते हैं क्या टॉपिक डिसाइड होता है, शायद प्राइवेट डिफेंस वगैरह या कुछ जो भी डिसाइड हो। और आप लोग इसी तरीके से जो रेलिवेंट पोर्शन है इस वीडियो के, उसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कोशिश कीजिए बेहतर से बेहतर आंसर लिखने का। हमारी कोई ज़रूरत हो तो कमेंट करके, कॉल करके, टेक्स्ट करके, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू 24/7/365। इस मिशन को हम लोग मजबूत करें, मेंस राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। और अंत में, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आईपीसी सीरीज चल रहा, सब्सक्राइब करेंगे तो सारे सीरीज आपको नॉन स्टॉप तरीके से मिलते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो, गुड नाइट।